प्यारे बच्चों, अभी हमने कहा था ना कि आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो बल्ब को टेस्ट करता है आपके यहाँ से, कि बल्ब का एक एंड इस पे लगाता है और दूसरा एंड यहाँ लगाता है, अगर जल जाता है तो वो कहता है कनेक्शन ठीक है, आपके यहाँ फॉल्ट नहीं है। कई बार अगर इसमें नहीं जलता तो वो फिर क्या करता है, वो आपका इसको अर्थिंग पर लगाता है तो यहाँ पर जल जाता है, तो इससे पता लग जाता है कि जो आपका यहाँ नहीं जल रहा था इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइन में फॉल्ट है। इसी तरह से कई बार आपके अगर मतलब टू पिन वाला ही है, जैसे यहाँ पर केवल दो ही पिन वाला है, तो वो एक में डाल के देखता दूसरा, तो फिर क्या करता है जो लाइव वाला है वो यहाँ जो इसका वो लगा हुआ है स्क्रू लगा हुआ है उसको टच करता है ऐसे करके, यानी इसको स्क्रू के साथ टच करके या गर्डर पे टच करता है, और उससे अगर बल्ब जलता है तो इसके मतलब यहाँ तो लाइव आ रहा है लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस लाइन में फॉल्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ, अगर मान लो दोनों टर्मिनल इसी को टर्मिनल जो मैंने बताया बीच में अभी बात की थी पहले भी, कि अगर इस बल्ब के दोनों टर्मिनल 220 वाले में ही डाल दे, दोनों यहीं डाल दे, तो क्या होगा, बल्ब फ्यूज होगा। आपने बताया था कि नहीं बल्ब फ्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि दोनों एंड किस पे आ गए, पहला एंड भी 220 पे और दूसरा एंड भी 220 पे, तो डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। और चूंकि डिफरेंस नहीं है इसलिए बल्ब न तो फ्यूज होगा न जलेगा, तो घबराने की बात नहीं, फ्यूज़ नहीं होगा। ये चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपके ओवरहेड वायर हो रहा है, जो बिजली की तार जाती हैं उस पे, जब यहाँ चिड़िया बैठ जाती है, चिड़िया बैठ जाती है ना, ये तो ये चिड़िया जब बैठ जाए तो बतख सी बैठ गई है, बाय चांस बतख बन गई, मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है बेटा, चिड़िया बैठ गई तो क्या होगा, क्यों नहीं इसको कुछ हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये 220 वोल्ट पे है। लेकिन जब बड़ा पक्षी कोई आता है और वो जब बैठ जाता है तो उसकी जो पूंछ है या कोई और चीज़ इस पे जब कनेक्ट हो जाती है दोनों पे, तो उसका एकदम ब्लास्ट हो जाता है, धमाका बन जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। इसी तरह से अगर बंदर यहाँ बैठ जाए ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर उसकी पूंछ लटक करके क्या है दूसरे वायर पर टच हो गई, तो फिर बंदर का आपने देखा होगा धमाका हो जाता है, कई जगह अपने शॉर्ट सर्किट से उनकी डेथ हो जाती है बेचारों की। तो यानी जब आप 220 वोल्ट सर्किट जब तक कनेक्ट नहीं होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिशियन आपको कहता है कि मुझे मत पकड़ना जब वो आप काम कर रहा होता है। इसलिए घर में भी अगर कभी आप कोई शॉर्ट सर्किट हो करके या किसी में करंट लग जाए तो आप उसको डायरेक्ट टच ना करें, फैमिली मेम्बर को बचाने के लिए किसी चद्दर से या स्टिक से रस्सी से उससे आप उसको छुटाएं, आप डायरेक्ट टच ना करें, नहीं तो आप भी कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आपको भी करंट लगेगा।